हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो इज। ऑप्शन ए इज एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन, ऑप्शन बी इज एक्स इज इक्वल्स टू वन, ऑप्शन सी इज एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू, एंड ऑप्शन डी इज एक्स इज इक्वल्स टू थ्री बाई। नाउ लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर हमारा पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए एक्स के फॉर्म में है, सो इसका जो हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, तो हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए। एंड अगर हमारा इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस फोर ए एक्स के फॉर्म में, ये अगर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला का, तो हमारा इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो होगा, तो इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू ए। सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट बेसिकली विच वी विल यूज इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया हुआ है, एंड और यहाँ पे हमें इस पैराबोला का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करना है। सो देखते हैं, यहाँ पे हमें एक है वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस फोर एक्स प्लस टू, इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं पैराबोला के। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई है, अगर हम इसमें फोर ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस फोर कर देते हैं, अगर हमने प्लस फोर किया, इसको बैलेंस करने के लिए माइनस फोर भी करना पड़ेगा, प्लस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ पे हमारा ये क्या बन गया, वाई प्लस टू का होल स्क्वायर एंड प्लस फोर एक्स, ये माइनस फोर प्लस टू क्या हो जाएगा, माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम लोग वाई प्लस टू के होल स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं एंड इसको हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, सो माइनस फोर एक्स प्लस टू हो जाएगा। सो वाई प्लस टू टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस फोर कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स माइनस टू बाई फोर इज टू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फाइनली इक्वेशन क्या मिल गया, इज इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स माइनस वन बाई टू। सो अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग कैपिटल वाई मान लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस फोर ए एक्स। सो यहाँ से हमें वाई की वैल्यू क्या है, वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस टू है एंड एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स माइनस वन बाई टू है, एंड ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे वन हो जाए। हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ, हमने क्या स्टैंडर्ड पैराबोला का फॉर्म क्या निकाला था, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस फोर ए एक्स। सो हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि यहाँ पे इसका जो हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू ए। सो हमारी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वन बाई टू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है वन। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस वन बाई टू। सो ये हमारा हो गया एक्स का वैल्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ से मिल जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू थ्री बाई टू। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ लेट्स सी विच ऑप्शन मैच दिस वैल्यू। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे ऑप्शन डी मैच कर रहा है हमारे आंसर से। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। दिस इज द, होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।